बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ तेवर आशीष और वेलकम बैक टू ट्रैवल कपकेक्स। तो आज हम वीडियो लाए हैं सूरह अल अकीरा रिमास्टर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये सूरह अल अकीरा की बात कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते क्या है। अल-क़ारिया, वो दिल हला देने वाली कड़क। मल-क़ारिया, तुम क्या जानो कि वो बड़ी खड़खड़ाने वाली चीज क्या है। वमा अदराका मल-क़ारिया, तुम्हें क्या मालूम कि वो क़ारिया क्या है। यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन लोग बिखरे होंगे परवानों की तरह। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ धनकी हुई ऊन की मानिंद होंगे। ये आजकल, अब ये सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप ये कभी, ये जो रजाइयां भरने वाली दुकान है ना, जहां पे रुई को जो है वो भरा जाता है तकियों के अंदर, रजाइयों के अंदर, तो आप वहां देखेंगे कि वहां पे रुई के जो बारीक रेशे यूं उड़ रहे होते हैं, इस तरह पहाड़ उड़ रहे होंगे। इस रुए अर्ज पे सबसे मोहकम चीज अल्लाह की मखलूकात में से पहाड़ है। पहाड़ से ज्यादा कोई मजबूत और मोहकम चीज नहीं है। जितने भी जानदार हैं, चाहे आप जानवरों को देख लें, नबातात को देख लें, जमादात को देख लें, ये जमादात में आते हैं ना, सबसे मजबूत चीज पहाड़ है। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, किलोमीटर्स पे फैले हुए हैं, कितनी मजबूती है उनके अंदर। इसलिए आप देखें कि अमेरिका ने जो अपने न्यूक्लियर जो बम हैं, वो पहाड़ों की बेसमेंट्स में सुरंगें खोद के स्टोर किए हुए हैं। यानी अगर एटॉमिक हमला भी हो जाए ना, तो पहाड़ इतनी मजबूत चीज है कि वो झेल सकता है इसे, जो पत्थरों के पहाड़ है। और वो भी क़यामत वाले दिन इस तरह उड़ रहे होंगे जैसे जो रुई के रेशे उड़ रहे होते हैं। यानी उनकी भी कोई औकात नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगी ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से। और जुमिया शम्सु वल क़मर, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, हर चीज तलपट हो जाएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो अब इसके बाद जाहिर है कि एंड रिजल्ट दो ही निकलने हैं। एक वो लोग हैं जो दुनिया में अंबिया की पैरवी करते रहे, अल्लाह की किताबों के पीछे चलते रहे, और दूसरे अंबिया की मुखालफत में जिंदगी गुजारते रहे। दोनों का अंजाम डिफरेंट होगा। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनु, फिर उस दिन जिसके नेकियों के पलड़े भारी होंगे, फहुवा फी ईशतिर रादिया, तो वो शख्स तो अपने दिल की ऐश वाली जिंदगी में होगा। जो उसका दिल चाहेगा ना, वो याशी का लेवल उसे मिलेगा, जिसके जो पलड़ा है क्यामत वाले दिन भारी हुआ। अब इसके दो माना हो सकते हैं। एक तो यह कि नेकियां और बुराइयां तोली गईं और नेकियों का पलड़ा वजनी हो गया, जैसे हमारा वो एक बैलेंस इस्तेमाल होता है ना, तराजू, एक तरफ यानी उसके लिए रेफरेंस वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ चीज रखी जाती है। तो एक पलड़े के अंदर नेकी रखी जाएगी, एक में बुराई, जिसकी नेकी जो है वो वजनी होगी वो अयाशी की जिंदगी में होगा, फी ईशतिर रादिया, ऐश की जिंदगी में। और जिसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो गया, नाऊज बिल्ला, तो उसके लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और दूसरा, अब यहां पे नेकियों और बुराइयों का जिक्र नहीं आया, सिर्फ यह है कि जिसके वजन भारी होंगे, तो इसमें इंप्लाइड है कि नेकियों का वजन। या यह भी हो सकता है, जिस तरह हमारी दुनिया में भी एक स्प्रिंग बैलेंस भी यूज होता है, जिसमें आपको रेफरेंस नहीं लेते बल्कि सिर्फ चीज को ही तोला जाता है। तो किसी शख्स की सिर्फ नेकियां ही तोली जाएं और जो अल्लाह ने डेटम लेवर मुकर्रर किया हुआ है उसमें वो पूरी उतरे, तो गुनाहों तक जाने की जरूरत ही ना पड़े कि हाँ जी इसकी नेकियां हैं, ये काफी है, 33 नंबर मिल गए, पास कर दो इसे। तो और इससे भी बड़ी चीज है, कई लोगों को बगैर हिसाब किताब की बख्श दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। वो बुखारी मुस्लिम हदीस है, 70,000 लोग मेरी उम्मत के बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुह, और जिनके पलड़े हल्के हो जाएंगे,
नेकियां तोली जा रही हैं, स्प्रिंग बैलेंस से वो हल्की निकल आई हैं, ज्यादा वजन ही नहीं उनका, या अगर दूसरे तराजू में तोली जा रही हैं तो वो गुनाहों के मुकाबले पे कम पड़ गई हैं। अऊज़ुबिल्लाह फअम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना होगा दोज़ख। हाविया वमा अदराक मा हिया, और तुम्हें क्या पता है कि ये हाविया क्या है? नारुन हामिया, दहकती हुई आग है। बोले अऊज़ुबिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और ये आग कोई आम आग नहीं है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है आखिरत की जहन्नम की आग, 70 गुना ज्यादा। वीडियो में सूरह अल कारिया की बात की है, सूरह अल कीरा नहीं, सूरह अल कारिया की बात की गई है। तो ये इस चीज में ये लिखा है कि जो पहाड़ होंगे कयामत के दिन वो रुई जैसे ठंड होती है, तो जैसे जहाँ गद्दे बिकते हैं तो वहाँ रुई बनता है, तो वहाँ रुइयाँ उठती है छोटी छोटी, तो वैसे पहाड़ रुई की तरह उठते रहेंगे। जबकि आपको पता है पहाड़ बहुत हैवी चीज़ है, तो वो हिला नहीं सकते, एटॉमिक बम भी उसको नहीं हिला सकता। पर कयामत के दिन कुछ अलग ही मंजर होगा, सन और मून एक हो जाएंगे, तो बहुत ही इतना डिस्टर्बिंग चीज़ें होगी कयामत के दिन। और जिनकी नेकियां ज़्यादा होगी उनको ज़रूर जन्नत में जगह मिलेगी, और जो नेकियां जिनकी कम होगी और जिन्होंने हराम काम ज़्यादा किए होंगे वो ज़रूर उनको दोज़ख की आग में जाना पड़ेगा। और दोज़ख की आग जो होगी वो है 70 टाइम्स मोर देन नॉर्मल फायर। तो ये चीज़ अगर हम बार बार सुन रहे तो उसका मतलब ये है कि आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कोई पेशेंट है उसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई चीनी मत खाओ, उससे ये होगा ये होगा, बार बार उसे याद दिलाना पड़ता है। वैसे ही इंसानियत को बार बार याद दिलाना है कि कयामत का दिन हम सबको आना है, और कब्र का अजाब भी होना है, और जन्नत दोज़ख के रास्तों पे आपको कोई एक जगह पे तो ले जाया जाएगा। तो उस चीज़ का कैलकुलेशन आज की आपकी ये ज़िंदगी में होने वाला है, और आप ज़रूर उसको याद रखे, रोज़ याद रखे। इसलिए नमाज रखी जाती है कि पूरे दिन में 5 नमाज इसलिए रखी जाती है कि आपको ज़रूर याद है कि देर इज़ अल्लाह, देर इज़ वन गॉड, एंड ही इज़ आफ्टर यू, वॉचिंग यू। और बस और क्या मैं बोलूँ, इतने कम पड़ जाएगा बोलना। तो हराम काम इसलिए बार बार, हराम काम ना कीजिए, हराम जो भी चीज़ें हैं वो ना करिए। और लोग वीकेंड मनाते रहेंगे, और वीक एंड जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है वीक एंड, तो आपको वीकेंड बोलते हैं उसको, आप वीकेंड मतलब जो दिमाग से वीक हुआ, जो आलसी हुआ, तो वीकेंड का मतलब है आपको आलसी करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो ये सब चीज़ों में ना पड़े, एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, नेकी का काम करें, और देखें दुनिया कैसे बदलती है आपकी। ठीक है, ये था आज का रिएक्शन। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना कैसा लगा, और दूसरी चीज़ आप ज़रूर सजेशन देना, और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा एक है। शुक्रान।